where a little kid was part of the PFI rally, and the child on top of the shoulders of one of the protesters is seen raising slogans of hate, raising slogans, issuing violent warnings to Hindus as well as Christians. There's been a huge controversy over that video. आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आजकल गोदी मीडिया का एक बड़ा अच्छा धंधा हो चुका है। वो धंधा ये है कि जो चीज आंखों के सामने होती नहीं उसे ये साबित करने पर तुल जाते हैं कि ये चीज हुई है, और जो चीज होती है उसे साफ तौर पर नकार देते हैं कि ये चीज हुई नहीं है। ये लगातार बीते कुछ सालों से देखने को मिल रहा है, और ऐसा ही हुआ है केरल में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा एक मार्च निकाला गया, और उस मार्च में जो नारे लगाए गए वो आरएसएस के खिलाफ थे, ना कि किसी जाति समुदाय के खिलाफ। पर मीडिया ने उसे राय का पहाड़ बना करके पेश किया। जैसे कि वीडियो के शुरुआत में आप लोगों ने देखा कि ये बताने की कोशिश की गई तमाम मीडिया के बड़े बड़े एंकर के घरानों द्वारा कि साहब ये देखिए कैसे मुस्लिम समुदाय का कट्टरपंथी बच्चा मारने काटने की बातें कर रहा है, ये आतंकी संगठन के जरिए देखिए कितनी नफरत भरी जा रही है, और कल को ये बच्चा अगर बड़ा होता है तो आतंकवादी बनेगा। ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई, और जब एक छोटे से क्लिप को बना करके राय का पहाड़ पेश कर दिया गया, और उस वीडियो के मेन मायने क्या थे उसे समझने की कोशिश नहीं की गई, तो ये बता दिया कि देखिए हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, किस तरीके के नारे लगाए गए हैं वो वीडियो पूरा हम लोगों के पास आया है। पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। Pakistan
तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को सुना। इस वीडियो में जो वर्ड समझ में आ रहे हैं, क्योंकि केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम में वो नारे लगा रहे हैं और मलयालम के वर्ड को राय का पहाड़ बनाकर के पेश किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि साहब देखिए, हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जहां तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कूद पड़े, आरएसएस के नेता कूद पड़े और खुद गोदी मीडिया भी पीछे नहीं रहने वाला था, पूरी कम्युनिटी को ही कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। और जब माइनों के साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि मलयालम भाषा में नारे लगाए जा रहे थे और उसके मायने इंग्लिश में बता करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा उस नारे को वायरल कर दिया गया। और जब ये नारा लोगों के सामने आया तो तथ्य लोगों के सामने थे कि किस तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो केरल में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के मार्च निकाला गया है, उससे प्रशासन के और सरकार के खास तौर पर हाथ पांव फूल गए। और केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा और खास तौर पर आरएसएस द्वारा दोनों के बीच में एक 36 का आंकड़ा चल रहा है, जहां आरएसएस के मंसूबों को रोकने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लगातार ठोस कदम उठाती हुई अक्सर दिखाई देती है और इस कदम को लेकर के भी एक मार्च निकाला। उस मार्च में ये नारे लगाए गए और उस नारे को लेकर के अब तक एक शख्स की गिरफ्तारी भी हो गई है और कई लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। आपको बता दें कि केरल में पिछले हफ्ते एक राजनीतिक रैली के दौरान नाबालिग लड़के को आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। केरल हाईकोर्ट द्वारा राजनीतिक और धार्मिक रैलियों में बच्चों के इस्तेमाल का चिंता व्यक्त करने के बाद केस दर्ज हुआ। ये घटना पिछले हफ्ते तटीय अल्पुछा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक मार्च के दौरान हुई थी। सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लड़का एक आदमी के कंधों पर बैठा दिख रहा है और वे केरल में हिंदू और ईसाई समुदाय के लोगों के खिलाफ भरे नफरत भरे नारे लगा रहा है, जिसके बारे में ये बताने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा की गई। और इस पर जस्टिस गोपीनाथ ने कहा कि क्या ये ऐसी नई पीढ़ी को बढ़ावा नहीं दे रहे जिनके मन में धार्मिक घृणा की भावना पल और बढ़ रही है। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो उसका दिमाग पहले से ही इस तरह की बयानबाजी का आदि होगा। इस मामले में कुछ किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केरल पुलिस पर प्राथमिकी दर्ज करने का दबाव भी बना दिया, जिसके बाद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। ये व्यक्ति कोटियाम के एयरपुट्टा का रहने वाला है। आशंका है कि यही बच्चे को रैली में लेकर आया था। पुलिस ने मामले में पीएफआई अल्पुछा जिला अध्यक्ष नवास वंदनम और जिला सचिव मुजीब के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। पीएफआई के अधिकारियों में समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा कि शनिवार को अल्पुछा में एक मार्च के दौरान उनके पास उनके ऑफिशियल नारे थे। ये नारा उनमें से नहीं था। विभिन्न जगहों से बहुत सारे कार्यकर्ता मार्च में शामिल हुए। जब कार्यकर्ता ने इस नारे को सुना तो उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। जहां ये दावा किया जा रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ ईसाइयों के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिसमें पीएफआई का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि केरल में जो नारे लगाए गए हैं वो आरएसएस के खिलाफ थे, किसी अन्य समुदाय के खिलाफ नहीं थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा गणतंत्र बचाओ विषय के तहत आयोजित विशाल जनसभा की छवि खराब करने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। लाखों लोगों को आकर्षित करने वाली इस जनसभा और रैली में आरएसएस और संघ परिवार के आतंक के खिलाफ नारे लगाए गए।
इस तरह के फासीवादी विरोधी नारे संगठन का दृष्टिकोण रहे हैं। इस बीच अल्पुच्छा में एक रैली में भाग लेने वाले एक बच्चे द्वारा लगाए गए नारे के विरोध के बहाने संगठन को निशाना बनाने की संगठित कोशिश की जा रही है। इस प्रोपेगेंडे में कुछ मीडिया घराने भी शामिल हैं। रैली के दौरान बच्चे द्वारा लगाए गए नारे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए आधिकारिक नारे नहीं थे और ये संगठन द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि आरएसएस और उसके द्वारा प्रायोजित चरमपंथी संगठन इस मुद्दे को धर्मों से जोड़कर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। रैली में किसी ने भी हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ नारे नहीं लगाए हैं और किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना पॉपुलर फ्रंट की नीति नहीं रही है। बच्चों ने जो नारे लगाए वो आरएसएस और राजकीय धरपकड़ के सिलसिले के खिलाफ थे, जो लोग भी बच्चों द्वारा लगाए गए हैं। नारे की पूरी वीडियो फुटेज देखेंगे उन्हें के पता चल जाएगा कि अफसोस की बात है कि मीडिया घरानों ने भी एडिट किए हुए वीडियो पर प्रसारित किया, जिसमें आरएसएस ने अपने हिंदुत्व नजरिए के अनुसार काट छांट और तोड़ मरोड़ किया था। अल्पुच्छा में आयोजित जनसभा और रैली बेहद सफल हुई और इसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। कुछ थोड़े बहुत मीडिया छोड़कर मुख्यधारा की टीवी मीडिया ने इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए थोड़ा समय भी नहीं दिया। हम संघ परिवार द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार के नाम पर मुस्लिम समुदाय और संगठन को निशाना बनने नहीं देंगे। इस्लामोफोबिया फैलाने की सुनियोजित चालों का जरूर विरोध किया जाएगा। ये साफ शब्दों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा कह दिया गया कि जो नारे लगाए गए हैं उस नारे के मायने क्या हैं, जिसे उन्होंने खुद ही ऑफिशियल अपने अकाउंट पर लोगों के साथ साझा किया और उसके मायने इंग्लिश में समझाते हुए लोगों को बताने की कोशिश की गई कि असल में जो भी नारे लगाए गए वो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ थे, आरएसएस के खिलाफ थे, ना किसी पार्टी के खिलाफ थे और ना ही किसी समुदाय के खिलाफ थे। अब गोदी मीडिया को तो साफ तौर पर बहाना चाहिए कि अगर आरएसएस को आपने टारगेट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर दिया, तो उनके लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ही हिंदू है और हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर दिया, ये बताने की कोशिश की गई। और असल में जो लाखों लोग इकट्ठा हुए केरल में ज्ञानव्यापी मस्जिद के समर्थन में, उसे देख करके गोदी मीडिया और खुद आरएसएस की नींदें उड़ गई हैं, जिसके चलते ये प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश की गई। हर एक तथ्य को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।